बिस्मिल्लाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द जनरल गैस इक्वेशन एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द आइडियल गैस कॉन्स्टेंट आर। ठीक है, हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे इन डिफरेंट सिनेरियोज़ और उनसे हम डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम प्रैक्टिकली जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, इट इज जस्ट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, PV इज इक्वल टू एन आर टी, बस प्रेशर वॉल्यूम पुट करते चले जाओ, R की वैल्यू फिक्स है वो पुट करते चले जाओ, N की वैल्यू आपको पता होगी, T की वैल्यू होगी, तो इससे आप जो है जनरली बस प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर के बीच खेलते चले जाओ। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पजेज और वो मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। इसी तरह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दैट जो डिफरेंट यूनिट्स हैं आइडियल गैस कॉन्स्टेंट के। ठीक है, अब डिफरेंट सिनेरियोज में जब आपको बाकी जो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम वगैरह के डिफरेंट यूनिट्स दिए जाएंगे, तो आप कैसे आर के डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट वैल्यूज को पुट करोगे इन द इक्वेशन और अपना आंसर निकालोगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी पार्ट। होप सो आप इसको जो है वो ध्यान से सुनेंगे और इस पे जो है वो आप यू नो प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इस ये जो आर की वैल्यू निकालना है ना, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, सो आपको इस साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अच्छा देखो, विद द हेल्प ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस वो फाइंड आउट कर सकते हैं एंड द डेंसिटी ऑफ अ गैस वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी विल सी कि हम ये कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, यानी एक जो गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसका टोटल मास क्या है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल है टू द मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एन की जगह एम ओवर एम पुट कर सकते हैं, राइट? या आप इस m की जगह w यहाँ पे इन्हें पुट किया तो आप इसको w ओवर m पुट कर दें। तो द इक्वेशन बिकम्स pv इज इक्वल टू w ओवर m r t। नाउ व्हाट आर यू गोना डू, आपको तो m की वैल्यू चाहिए, राइट? शिफ्ट m टुवर्ड्स दैट साइड। ठीक है, तो जब आप m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स m pv इज इक्वल टू w r t। नाउ हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो पी वी साइड आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नॉन है एंड आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है, आर की वैल्यू तो नॉन होनी ही चाहिए, यानी आपको पता होनी चाहिए लाजमी, और बाकी आपको इन्होंने मास ऑफ द गैस वो दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द डेंसिटी। हम लोग कैसे डेंसिटी ऑफ द गैस फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, देखियो अगेन n इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपकी जनरल गैस इक्वेशन आ गई। ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ से निकालनी है, जनरल गैस इक्वेशन से ही निकालनी है, डेंसिटी भी और मॉलिक्यूलर मास भी, तभी हम जनरल गैस इक्वेशन को ही अपना यू नो इनिशियल पॉइंट यूज कर रहे हैं। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अगेन n किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है टू द मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ओके, दिस इज इट। अब एक चीज़ और नोट, अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, दिस अगेन बिकम्स इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम आर टी। ठीक है, एम को हम अगेन उधर शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स एम पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी। बट व्हाट आर वी गोना डू राइट नाउ हियर, कि हमें पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो हमने क्या करना है, ये मास ओवर वॉल्यूम वाली टर्मिनोलॉजी को इकट्ठे करना है। तो वॉल्यूम देखिए कहाँ पड़ा हुआ है, वॉल्यूम इक्वेशन के इस साइड है, हम इसे शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स द अदर साइड, यहाँ पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी।
सो इट बिकम्स एम पी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर टी. नाउ हमें तो सिर्फ डेंसिटी चाहिए सर, तो हम इक्वेशन वाली बाकी सब चीज़ें उधर शिफ्ट कर देते हैं. एम पी ओवर आर टी इज इक्वल टू द डेंसिटी. सो दिस इज इट, दिस इज योर इक्वेशन. अगर आपको मास ऑफ द गैस पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, यानी ये चीज़ें दी हुई हैं, और आर का कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको पता है, तो आप इजीली डेंसिटी ऑफ दैट गैस फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन से आपने सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह नहीं निकालने, या आर की वैल्यू नहीं निकालनी होती, बल्कि इससे आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, और आप इसके साथ डेंसिटी ऑफ द गैस वो भी फाइंड आउट कर सकते हो. सो इफ द क्वेश्चन कम्स के आप सिग्निफिकेंस ऑफ द जनरल गैस इक्वेशन बताएं, तो आप उसकी सिग्निफिकेंस में ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं. दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है कि दैट आप इस के ना अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ द जनरल गैस इक्वेशन, तो आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द आर की तरफ आ जाएंगे. बल्कि ऐसा करते हैं, ये छोटा सा इसको इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं. ओके, देखिए अब हमारे पास आर की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं जब हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके पास वन मोल ऑफ गैस है. ठीक है, एन इज इक्वल टू वन मोल इज टेकन एट एस टी पी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन में 273 केल्विन एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वगैरह उस तरह आता है. ठीक है, या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, एंड आपके पास जो मतलब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड केल्विन टेम्परेचर होगा वो 273. प्रेशर इज 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, ये है टेम्परेचर भी दे दिया. देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट विल बी, अभी आपने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था कि दैट अगर आप एस टी पी पे आप वन मोल ऑफ अ गैस लेते हो, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ उस वन मोल ऑफ गैस के अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 डीएम क्यूब होगा, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे. ठीक है, नाउ आर की वैल्यू निकालने के लिए पुट एवरी वैल्यू इन दिस इक्वेशन, राइट, पुट एवरी वैल्यू इन दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो. तो इक्वेशन को रीअरेंज करने से क्या बनता है, आर को इधर रहने दो, बाकी सब वैल्यूज को उधर ले जाओ, तो दे बिकम पी वी ओवर एन टी. यूं आप आर की वैल्यू निकाल लोगे. नाउ पुट पी की जगह 1 एटमोसफेयर, वॉल्यूम की जगह क्या था, वॉल्यूम की जगह था 22.4 डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 मोल था. ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, 273 केल्विन. ओके, नाउ इफ यू डिवाइड ऑल ऑफ देम, तो आपको क्या यूनिट मिलता है, डीएम क्यूब, मतलब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तो आपको वैल्यू क्या मिली, 0.0821, और यूनिट क्या है, डीएम क्यूब एटीएम. ये दोनों पॉजिटिव में आएंगे बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम ऊपर थे. नीचे क्या था, पर मोल, ठीक है, जो कि एन का यूनिट है, एंड ये टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन. तो आर की वैल्यू, अगर अब ये देखिए ये आर की वैल्यू यहाँ पे क्यों है ऐसी, ये तब सिचुएशन होगी जब आपके पास उनने आपने देखना है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, उनके क्या यूनिट्स दिए हुए. अगर उनके यूनिट्स ये हैं डीएम क्यूब, एटमोसफेयर, मोल्स एंड केल्विन, तो आप उस इक्वेशन में आर की वैल्यू ये पुट करोगे. ठीक है, वरना अगर बाकी सिचुएशन डिफरेंट है, अगर प्रेशर आपको उनने दिया हुआ है मिलीमीटर ऑफ एच जी में या टॉर में, ठीक है, अब प्रेशर एटमोसफेयर में नहीं दिया हुआ, अब देख लो यहाँ पे, और जो वॉल्यूम है वो आपको सीएम क्यूब में नहीं दी हुई, सॉरी सीएम क्यूब में दी हुई, डीएम क्यूब में नहीं दी हुई, तो आप क्या करेंगे, आप इसी वैल्यू को जो एटमोस्फेरिक वैल्यू है उसको टॉर में कन्वर्ट करने के लिए या मिलीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 760 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस 0.0821 को, सॉरी 821, अलग अलग पॉइंट के बाद हर वैल्यू को पढ़ते हैं. ठीक है, तो 0.0821 डीएम क्यूब, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट करने के लिए 760 से मल्टीप्लाई कर दोगे.
ठीक है, एंड देन फिर मोल्स पर मोर पाल केल्विन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने, अब आप कह सकते हो कि ये डीएम क्यूब ही क्यों है अभी, क्योंकि अभी आपने उस डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ना भी किसी चीज से मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड किया। अच्छा, दिस वैल्यू गेट्स कन्वर्टेड इनटू 62.4 डीएम क्यूब ही है अभी। देखो, एटमोस्फेयरिक टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट हो गया इंटू मिलीमीटर ऑफ एचजी बाय द डिवीजन ऑफ 760 वैल्यू, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। अब क्या है, डीएम क्यूब को हमने कन्वर्ट करना है इंटू सीएम क्यूब, तो आप क्या करोगे, आप ये जो वैल्यू आई है इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 62400 सीएम क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। मोल और केल्विन इसी तरह है क्योंकि हमने छेड़ा ही प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स को है, एन के यूनिट्स, एन तो नंबर ऑफ मोल रहेगा, और टेम्परेचर के यूनिट्स हमने नहीं छेड़े थे, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू आर की आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जब एटमोस्फेरिक प्रेशर को आपने टॉर में या फिर आपने मिलीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना होता है तो आप 760 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये इनिशियल वैल्यू आपको पता होगी, मेथड पता होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपको डेरिवेशन भी दे दें, तो उस लिहाज से भी इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि डीएम क्यूब को जब आपने सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू सीएम क्यूब, ओके। अच्छा, अब देखिए, जब आपको ऐसे यूनिट्स प्रेशर के न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिए हों और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में दी हुई हो, तब आपने क्या करना है, तब आपने अगेन इन सबको पुट करो, ठीक है। आपको ये पता है कि 1 dm³ जो होता है वो 10⁻³ m³ के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो वॉल्यूम था दैट वाज 22.4, उसको डिवाइड कर दोगे बाय 1000, तो वो डीएम क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह जो प्रेशर है आपका वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किसके इक्वल होता है, 1 एटमोस्फेयर जो है वो इक्वल होता है टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये पास्कल का यूनिट है, ये पास्कल वाला वैल्यू है जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत डिटेल में ऊपर से, ठीक है। अगेन, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम किसके साथ प्ले कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पी और वी के यूनिट्स के साथ प्ले कर रहे हैं, तो उसके बेस पे आर के डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो जब भी आपको इक्वेशन क्वेश्चन दिया जाएगा, न्यूमेरिकल दिया जाएगा, आपने देखना है कि प्रेशर किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, उसके बेस पे आप इस जनरल गैस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करेंगे। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये ना आप खुद से आर की वैल्यू सिर्फ ये वाली 0.0821 पुट करके आ जाए, ठीक है, हर जगह, और तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, ओके। नाउ अगेन, आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, द वैल्यू बिकम्स 8.3143 जाउल्स पर मोल पर केल्विन। अगेन, ये कब है, ये तब है जब आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट यूनिट्स थे। तो अगेन, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह को यूज करके, जनरल गैस इक्वेशन वगैरह को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। फिर भी अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन है तो इन क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप पूछ सकते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह करवा दूँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर है, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आ जाएंगे टुवर्ड्स द वंडरवॉल्स इक्वेशन की तरफ।